अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसमें आता है US, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, UK और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पे जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। गाइस, आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसकी कॉस्ट्यूम पे, छाती पे यानी चेस्ट पे जो एस बना होता है उसका मतलब क्या है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों का सा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो ऐसे ही बना होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके पहले तक आपको इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग, ये आपको पता था या नहीं पता था चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।